नस्वार के हवाले से जो यहाँ पर पाबंदी लग चुकी है, ये हुकूमत की तरफ से हमें पहले SOPs मिली थी कि पैसेंजर्स जो हैं ये अपने साथ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि यहाँ गाड़ी में या प्लेटफॉर्म पर किसी भी किस्म की कोई भी नस्वार या लाइटर वगैरह या ब्लेड वगैरह इस किस्म की चीज़ें कोई भी अपने साथ ना लेके जाएं। तो चूंकि इसको पैसेंजर जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस हवाले से हमारी सिक्योरिटी जो है उन्होंने अभी चेकिंग शुरू की है और यहाँ पर जो डब्बे पड़े हुए हैं इसमें हम इनसे नस्वार वगैरह कलेक्ट करते हैं और जब वो वापस आ जाते हैं इसी स्टेशन पर तो हम उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा अपनी चीज़ के लिए वापस नहीं आया तो उसको हम फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। मैं सूबाई हुकूमत के इस इकदाम को सराहता हूँ कि उन्होंने नस्वार पे पाबंदी लगाई है और ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है। नस्वार नहीं कि सिगरेट और एवरीथिंग, मतलब जो भी नशे के चीज़ें उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको इस बसों में जाना ही नहीं चाहिए, और ना मेरे तो ये सिक्योरिटी वालों से गुजारिश है कि वो इन लोगों को बसों में चढ़ने नहीं दें। गंद की वजह ताकि नस्वार से उधर बस में गंद ना फैले, लेकिन इसकी वजह ये अच्छा है कि डस्टबिन गाड़ी में डस्टबिन रखे। हाँ मखा वो नस्वार की वजह से ये बस का आना जाना छोड़ देगा, वैगन में जाएगा, लोकल में जाएगा, मगर नस्वारी लोग तो खामखा नस्वार नहीं छोड़ सकते, वो बस छोड़ सकते हैं।